रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमतों बरकतों और नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो नौ अभी फ़िलहाल मैं और भाई आए हुए हैं खेतों में। सुबह सुबह का टाइम है, चारा काटने के लिए आए हुए हैं। तो ठंड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और अभी हाथ जो है ठरना शुरू हो गए हैं। कल शाम को हमने चारा नहीं काटा था इसलिए अभी सुबह सुबह काटना पड़ रहा है। तो वैसे भी सुबह सुबह खेतों में निकलना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। माशाल्लाह से सुबह सुबह सूरज निकला हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर ये कपास की फसल है, फुल तैयार, फुल खिड़ी हुई है। हर तरफ खामोशी खामोशी है, बिल्कुल प्योर देसी माहौल आपको नज़र आ रहा है इस टाइम। ये वो खेत जिसमें हमने उस दिन चारा काश्त किया था। ये इधर हुसैन भाई जो हैं चारा काट रहे हैं। तो चारा हमारा छोटा छोटा ही है, इसको हमने छोटे छोटे के ही हाथ लगाया हुआ है क्योंकि हमारा बड़ा चारा जो है वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए छोटे छोटे को ही काट कर। अब इसका मौसम भी वैसे भी ख़त्म होने वाला है। सुबह सुबह के टाइम जो शबनम वाला घास होता है उसके ऊपर नंगे पांव चलने से बहुत ही सुकून मिलता है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि वाकई सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। तो भैया ये बात बिल्कुल सच है कि सुकून तो मिलता है लेकिन इसके साथ साथ फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है इसका। ये मेरे पाँव पे चोट लगी हुई थी इसलिए मैंने ये पट्टी बांधी हुई है। इतना ठंडा पानी है कि पांव ठंडे हो गए हैं। कुछ फ़ायदा भी हो गया, पांव के ऊपर से जो मट्टी वट्टी लगी हुई थी बिल्कुल साफ हो गए हैं पानी से जैसे धोए होते हैं। सुबह सुबह के टाइम जब सूरज की ताज़ा ताज़ा ठंडी ठंडी किरणें आंखों के सामने से गुजरती हैं या आंखों पर पड़ती हैं तो बहुत बहुत ही सुकून मिलता है। ये देखें माशाल्लाह से जब सूरज की किरणें आती हैं और अब चेक करें माशाल्लाह से व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो ये हमारी जो मकई की फसल पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी काफ़ी छोटी छोटी थी, अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई है। तो उधर से जो मकई थी वो तो हम काट रहे हैं अभी और इस मकई को तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमने काटना शुरू करना है। इसके बाद इस कटाई के बाद यहाँ पर जवी की जो चारा है, जवी का चारा जो है वो काश्त किया जाएगा, वो फिर पूरी सर्दियाँ वही चलेगा। और इधर हमने कुछ कद्दू के वेलें लगाई हुई थी, माशाल्लाह से कद्दू बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। आजकल तो कद्दू भी काफ़ी महंगे हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह से लग रहे हैं छोटे छोटे। और इधर एक लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे मुझे नज़र आ रहे थे, और ये भी एक लगा हुआ है। यह सिर्फ एक या दो वेलें हैं सिर्फ। हुसैन भाई चारा काट कर सामने खेत में गए हुए हैं देखने के लिए कि उसमें बत्तर आ गया है कि नहीं आया। अगले दिन हमने खेत को पानी लगाया था इसकी गंदम की काश्त के लिए, रोनी की थी जिसको कहते हैं पंजाबी में, रोनी की थी रोनी। तो पानी लगाया हुआ था, मेरे ख्याल है खेत में पानी जो है काफ़ी खुश्क हो गया है लेकिन खेत अभी है गीला। तो हुसैन भाई अभी आकर देख रहे थे, ये वाला खेत है, इसको हमने मंगल वाले दिन पानी लगाया था, काफ़ी भर कर लगाया था किनारों तक।
तो पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो गया था। अभी इसको चेक करते हैं कि गीला है कि सूखा है। मेरा तो ख्याल है कि अभी गीला ही है। ये देखें हाथ अभी नरम है काफ़ी ज़मीन। ये देखें जब ये खुश्क हो जाएगी इसके ऊपर हल चलाए जाएंगे, इसके बाद इसमें गंदम की जो फसल है वो काश्त कर दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो खेत है इस इलाके में पहला ही खेत है तकरीबन जिसमें अभी गंदम काश्त की जाएगी। तकरीबन हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा गंदम के लिए। उस वक्त तक नॉर्मल मौसम भी आ जाएगा गंदम की काश्त का। हुसैन भाई चारा काट लिया? हाँ जी काट लिया। चलें फिर। चलो तो हुसैन भाई ने चारा काट लिया है, तो इस वक्त हुसैन भाई इसको पल्ली में डालेंगे और हम पल्ली ये पाया पे आओ। पल्ली च पाया पे आ। हाँ चलो जी चकिए फिर चलो आओ, चकाइए तानू फिर आ जाओ। चलो तुरो अगे तो पल्ली च पट्ठे पाए पे ते उन्होंने चक के सिर ते रखोना पा लीजिए। ये हुसैन भाई ने चारा काट कर उसको पल्ली के अंदर। इस वक्त हुसैन भाई ने चारा उठाया हुआ है। हुसैन भाई काफ़ी आगे निकल चुके हैं और मैं अभी पीछे पीछे जा रहा हूँ। ये हमारा विलेज है। ये शुरू शुरू के जो घर हैं वो हैं जी। अब हमारा चारा जो है मशीन पर पहुंच चुका है और भाई अब चारे को जो है मशीन पर कुतर रहे हैं। इसके बाद इसको जानवरों को डाला जाएगा कुतरने के बाद। अभी इस वक्त भाई ने जानवरों को चारा डाल दिया हुआ है और जानवर माशाल्लाह से सारे चारा खा रहे हैं मज़े मज़े से। और अभी जानवर तो खाना खा ही रहे हैं, हमारे खाने का टाइम भी हो रहा है। खा लो नाश्ता कर लो जल्दी जल्दी। माशाल्लाह सब जानवर मज़े मज़े से लगे हुए हैं और इसको माशाल्लाह से कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हुई है। शैतान की टूटी को जैसे खा रही है, बहुत शैतान है ये। ये वाला चारा लेकर जाते हैं। तो जी आज की वीडियो का यहाँ पर करते हैं एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक हसन अहमद को दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।